हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एक शादी वाले घर में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब हलवाई द्वारा खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस लीक करने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझ में आता सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस भीषण हादसे में बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आस पड़ोस के लोग तुरंत घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां घायलों का इलाज शुरू किया गया। वहीं 12 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली क्षेत्र के लीगा गांव के रहने वाले अर्जुन अग्रावर के पुत्र हेमराज का तिलक समारोह में भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान खाना बना रहे हलवाई का सिलेंडर खत्म हो गया। हलवाई ने जब सिलेंडर बदला तो सिलेंडर से गैस लीक करने लगी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता सिलेंडर में आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले आग बुझती सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस दौरान हादसे में अब तक 22 से ज्यादा लोग पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। वहीं खाना बना रहा हलवाई अमित कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका होते ही शादी की खुशियों में दर्द भरी चीख पुकार शामिल हो गई। लोग एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे थे। जैसे तैसे लोगों ने कार और अन्य साधनों की मदद से घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर आग से झुलसे लोगों का इलाज किया जा रहा है। राज सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग में अरविंद, पुनीत कुमार, आनंद, अनूप, भरत, रचित, कस्तूरी, तारा रानी, कृष्ण, कृपाल, ज्ञान सिंह, शशि, सूर्यांश, धर्मपाल, अमित व विनोद के अलावा आधा दर्जन मासूम बच्चे झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक इलाज के बाद एक दर्जन से ज्यादा लोगों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक सभी का इलाज चल रहा है और किसी के मरने की कोई सूचना नहीं है। राठ तहसील में लीगा गांव है, वहाँ अभी कुछ लगभग 2 घंटे पहले शादी समारोह चल रहा था, तो वहाँ ये बताया गया तो उन्होंने गैस लीक होने की वजह से आग लग गई वहाँ, और आग में 22 लोग जो जल गए। उन 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गांव के थे, शेष 12 लोग राठ तहसील के दीवानपुर और फसलाना कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। और मैंने आके यहाँ हॉस्पिटल में देखा है तो यहाँ लगभग 8 या 9 लोग तो यहाँ हैं, और उनकी हालत किसी की गंभीर नहीं है, सब लोग ठीक हो जाएंगे। उनके जो जले हुए हैं वो हाथ और पैरों में वो जल गए हैं। उसके अलावा 9 लोगों को और उनके साथ उनके बच्चे को भी वहाँ हो रही है। हमीरपुर रिपोर्ट, यूनिसेफ।